दोस्तों ये थी क्रॉस पोस्टिंग की कुछ सेटिंग जो आपको जानना बहुत ही ज़रूरी था। हेलो नमस्ते फैमिली, आज के इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं कि इंस्टाग्राम क्रॉस पोस्टिंग क्या होता है। दोस्तों इंस्टाग्राम का जो एक क्रॉस पोस्टिंग है, ये बहुत ही मज़ेदार फीचर है। इसके ज़रिए आप कोई भी पोस्ट जब अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट करते हैं, वो ऑटोमेटिक आपके फेसबुक पेज पे चले जाता है। इसको कैसे चालू करते हैं और इसको कैसे यूज किया जाता है, आज के इस वीडियो में यही सब कुछ हम जानने वाले हैं। हेलो नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है वेद प्रकाश बेदू और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों इंस्टाग्राम क्रॉस पोस्टिंग को यूज करने के लिए आपको अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल में कुछ सेटिंग करनी पड़ती है, जो आपको मैं अभी बताने वाला हूं। दोस्तों सबसे पहले आप अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल को बिजनेस अकाउंट में कन्वर्ट कर दीजिए। अब दोस्तों जब भी आप कोई इंस्टाग्राम पे पोस्ट करेंगे, चाहे रील्स हो चाहे पोस्ट हो, वो ऑटोमेटिक आपके फेसबुक पेज पे वो चले जाएगा। जब भी आप कोई पोस्ट अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे करते हैं तो सिर्फ वो इंस्टाग्राम पे रह जाता है। लेकिन दोस्तों क्रॉस पोस्टिंग के जैसे जब आप अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल को अपने फेसबुक से कनेक्ट करेंगे, तो दोस्तों जब भी आप अपने इंस्टाग्राम पे कोई पोस्ट करेंगे, वो ऑटोमेटिक आपको फेसबुक पेज पे चले जाएगा। अब इस सेटिंग को करना क्या है, थोड़ा मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। मैं अपना मोबाइल ले लिया हूँ, सबसे पहले आपको एक स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ जिसके जरिए आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि ये काम कैसे करता है। दोस्तों देखिए, आपको समझाने के लिए मैं एक आपको स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ, उसको आप ध्यान से देखिए और वीडियो पूरी देखिए, तब आपको समझ में आएगा कि क्रॉस पोस्टिंग का काम कितना अद्भुत और कितना बढ़िया है। दोस्तों अब आपके सामने देखिए, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है योर पोस्ट वाज क्रॉस पोस्टिंग टू कृष्ण भक्ति। अब मैंने यहाँ पे ना 10 से 12 ऐसे मैंने ग्रुप ज्वाइन कर लिए हैं जहाँ पे लाखों मिलियन में फॉलोअर हैं। अब मैं क्या करता हूँ, जब भी कुछ पोस्ट करता हूँ, जब मैं शेयर वाले बटन पे टैप करता हूँ तो मेरे सामने ढेर सारे जितने भी मैंने ग्रुप ज्वाइन किए हैं मेरे सामने आ जाते हैं। अब मैं अपनी वीडियो को उसमें बड़े आराम से शेयर कर देता हूँ। दोस्तों मेरे पास समझो 1000 फॉलोअर हैं, लेकिन मेरी वीडियो जा रही है समझो जितने भी वहाँ पर फॉलोअर हैं, चाहे 1 लाख हो चाहे 1 मिलियन हो, मेरी वीडियो उनके पास जा रही है। तो दोस्तों समझिए, या मेरी पोस्ट या मेरी रील्स जब उनके ग्रुप में जाएगी क्रॉस पोस्टिंग के थ्रू, मेरे फेसबुक पेज से उनके फेसबुक पेज पे जाएगी, तो दोस्तों सोचिए आपका रील्स कितने जल्दी वायरल हो सकता है। दोस्तों अब ये बात रही किस्मत की कि आप अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छी वीडियोस बना रहे हैं, तो आप जल्दी वायरल हो जाते हैं, जो आप ये ट्रिक लगा के अपने रील्स या पोस्ट को वायरल करा सकते हैं। अब मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ दोस्तों, अब मैं कुछ और बताना चाहता हूँ दोस्तों कि इसको कैसे चालू करते हैं। यहाँ ये मैं कर देता हूँ बंद। अब मैं चले जाता हूँ अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे, इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे टैप करते हैं दोस्तों। टैप करने के बाद यहाँ 3 डॉट पे टैप करते हैं, 3 डॉट पे टैप करने के बाद यहाँ सेटिंग एंड प्राइवेसी में टैप करते हैं दोस्तों, और यहाँ नीचे आ जाते हैं। नीचे आने के बाद देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों क्रॉस पोस्टिंग, मैं आपको मार्किंग करके भी बता रहा हूँ, थोड़ा सा बड़ा भी कर देता हूँ मैं। अब दोस्तों एक क्रॉस पोस्टिंग पे जब टाइप करेंगे, तो मैं वीडियो के स्टार्ट में ही आपको बता दिया हूँ कि आपका फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम प्रोफाइल को ज्वाइन करना पड़ेगा। अब इसको ज्वाइन कैसे करते हैं, ढेर सारी वीडियो पड़ी हैं, अगर आपको नहीं आता है तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा कि बिजनेस अकाउंट में कैसे कन्वर्ट करें, आपके फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम प्रोफाइल को एक साथ कैसे जोड़े। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर सब कुछ दिख रहा है, यहाँ पर देखिए। अब जब भी मैं कोई आपको चाहिए तो मैं एक पोस्ट करके भी दिखा देता हूँ। चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है योर पोस्ट, पोस्ट और रील्स। ये जो कुछ भी मैं यहाँ पोस्ट करूँगा, जब मैं अपना फेसबुक पेज इंस्टाग्राम से कनेक्ट कर दूँगा, जब मैं अपना फेसबुक पेज अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल से ज्वाइंट कर दूँगा दोस्तों, तब ये क्रॉस पोस्टिंग अपना काम शुरू कर देता है। इससे आपको आसानी ये होगा कि आप सिर्फ इंस्टाग्राम पे पोस्ट करेंगे और आपके फेसबुक पेज पे चले जाएगा। अब नहीं तो आप एक रील्स को 2 बार आपको पोस्ट करना पड़ेगा, पहले फेसबुक पेज पे पोस्ट करना पड़ेगा, उसके बाद इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे आपको पोस्ट करना पड़ेगा। लेकिन क्रॉस पोस्टिंग के जरिए दोस्तों आप एक जगह करेंगे और दोनों जगह आपकी वीडियो शेयर हो जाएगी। अब इससे आपका टाइम भी बचत होता है, आपका डेटा भी बचत होता है, आपका सब कुछ बचत होता है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर एक सेटिंग है जो आपको बहुत ही जानना ज़रूरी है। अब यहाँ पर देखिए, जैसे ये 3 यहाँ पर सेटिंग बता रहा है, पोस्ट का, स्टोरी का और रील्स का, इसको जब बंद कर देंगे दोस्तों तो ये क्रॉस पोस्टिंग काम करना बंद कर देता है। तो इसको आपको इस तरह से चालू कर देना है दोस्तों। देखिए यहाँ पे आ गया शेयर एज बेडू टेक्निकल पेज, इस पर मैं अभी चाहूँ तो उसके पेज पे अपने
इस वीडियो को पोस्ट कर सकता हूँ। अब देखिए यहाँ पे मैं अपने रील्स को भी चालू कर देता हूँ। जैसे देखिए रील्स पे लगाया वैसे यहाँ लिख के आ गया शेयर बेदू टेक्निकल, क्योंकि मैंने अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल को अपने फेसबुक पेज से ज्वाइन करके रखा है। अब आपको मैं आगे एक सेटिंग और बताता हूँ। यहाँ पे लिखा है देखिए रिकमेंडेड रील्स ऑन फेसबुक, जब आप इसको टैप कर देंगे दोस्तों, अब यहाँ पे जैसे ही मैंने रिकमेंडेड पे टैप किया दोस्तों, तो यहाँ आ गया स्विच टू रिकमेंडेड, मतलब ये फेसबुक पेज को सिर्फ रिकमेंड करेगा, आपका पोस्ट आपका वीडियो आपका रील्स वहाँ पे शेयर नहीं होगा दोस्तों। तो आप इसको तो बंद करके ही रखें, नॉट नाउ कर देता हूँ, ये बंद है, और रील्स मैं अपना चालू कर देता हूँ शेयर एस बेदू टेक्निकल। अब यहाँ पे देखिए सारी की सारी सेटिंग हो चुकी है। अब मैं आपको एक पोस्ट वही कोई भी करके दिखाता हूँ इंस्टाग्राम पे, सब बैक आ जाता हूँ। कोई भी इंस्टाग्राम पे फीचर है उसको आपको यूज करना आना चाहिए। अगर आपको इस सब फीचर के बारे में जानना है तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। इंस्टाग्राम की सारी वीडियो मैं अपने चैनल पर हमेशा लाते रहता हूँ। अब यहाँ पर देखिए मैं करता हूँ प्लस वाले आइकॉन पर टैप, यहाँ पोस्ट करता हूँ। पोस्ट करने के बाद समझिए मैं अपनी एक ये फ़ोटो वहाँ पे शेयर करने जा रहा हूँ। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, देखिए शेयर कर दिया। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे लिख के आ रहा है शेयर टू फेसबुक पेज, अब इसको भी मैं ऑन लिखा हुआ है। देखिए अब देखिए यहाँ पे मैंने अपने इंस्टाग्राम को अपने फेसबुक पेज से ज्वाइन कर लिया है, और यहाँ पे देखिए मेरे कितने फॉलोअर हैं, 1100 फॉलोअर हैं मेरे फेसबुक पेज पे। मैं अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट करता हूँ और ये ऑटोमेटिक मेरे फेसबुक पेज पे चले जाता है। तो दोस्तों ये थी क्रॉस पोस्टिंग की कुछ सेटिंग जो आपको जानना बहुत ही ज़रूरी था। और दोस्तों आज के इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि क्रॉस पोस्टिंग को कैसे यूज करते हैं, कैसे चालू करते हैं, और इसको चालू करने के लिए आपको क्या क्या शर्तें हैं जो आपको पूरी करनी है। आई होप दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। फिर मिलेंगे ऐसे ही धमाकेदार नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम दोस्तों।